आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर की परिभाषा है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में अंतर को उन बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक सेल के ध्रुवों के बीच में एक प्रतिरोध R जोड़ दिया है। इस R के सिरे बिंदु P और Q है। बिंदु P सेल के धन ध्रुव से जुड़ा है, बिंदु Q सेल के ऋण ध्रुव से जुड़ा है, और इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक विभवांतर होगा। उस विभवांतर के कारण एक धारा प्रवाहित होगी। मान लिया कि धारा I के बराबर है। तो बिंदुओं P और Q के बीच के विभवांतर को नापने के लिए उन्हीं बिंदुओं के बीच में हम एक उपकरण जोड़ते हैं, एक युक्ति जोड़ते हैं। इस युक्ति को कहते हैं वोल्टमीटर। ये बिंदुओं P और Q के बीच का विभवांतर को सीधे वोल्ट में पढ़ता है, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है वोल्टमीटर। हम इसको वोल्टमीटर कहते हैं, और इसलिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।